से लिया हम बिहार एजुकेशन सर्विसेज ज्वाइन करके समाज के हर वर्ग के लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं बेहतर कानून व्यवस्था के लिए हम ज्वाइन करेंगे बिहार पुलिस सर्विस और अपने जूनिश में पावर का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे ये लोग देख रहे हैं बिहार को बेहतर बनाने का सपना और सपनों को सच करने के लिए महंगी कोचिंग फीस देना जरूरी नहीं न के टॉप टीचर्स के साथ घर बैठे होगी बीपीएससी की तैयारी डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप हाय गाइस एवरीवन कैसे हैं आप लोग व्हाट्सअप क्या हाल चाल गुड इवनिंग पीपल एंड वेलकम बैक टू डेस्ट बुक स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से सुप मॉक टेस्ट में पहली चीज तो सुपर मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए सुपर मॉक टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरे दिन की पढ़ाई के बाद यह मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी तैयारी की और जरूरत है अभी आपको तो जितने लोग यहां पर आ गए हैं जल्दी जल्दी से मुझे बताइए कैसे हो आप सब लोग एंड मेरी ऑडियो वीडियो क्या आप तक प्रॉपरली और क्लियरली पहुंच रही है कि नहीं प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स सब लोग जल्दी से बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी आप लोगों को सबको एम आई ऑडिबल अनविजिबल ठीक चलिए वेरी गुड और सब कुछ क्लियर है तो पता तो है ही आपको क्या करना है जल्दी से जाइए सेशन को शेयर करके आइए सारे फ्रेंड्स के साथ और जिन्होंने जो लोग पहली बार यहां पर पधारे हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाते हैं ठीक है पी पे ही से ही आप रिविजन कर पाते हो दैट इज वाई पीडीएफ आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है रिविजन परपस से आपके पी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है चलिए एक सेकंड का टाइम दीजिए बस मैं टेलीग्राम पे शेयर कराऊ कि सेशन लाइव हो चुका है और आप लोग भी तब तक टेलीग्राम वगैरह पे शेयर कर दीजिएगा ठीक है जहां भी आप लोग हो किसी भी ग्रुप वगैरह में एडिड हो तो ज्वाइन कर दीजिए वहां पे शेयर कर दीजिए चलिए शुरुआत करते हैं एनर्जी हंड्रेड होनी चाहिए ठीक है क्योंकि मेरी और आपकी एनर्जी यहां पर मैच करनी चाहिए ऐसा नहीं कि मैम तो बड़ी एनर्जेटिक है चल रही है और आप एकदम ए आंसर होगा बी आंसर होगा अच्छा ठीक है सी ले लो ऐसे आंसर मत करना यार है ना मेरे स्टूडेंट्स एनर्जी के लिए ही पहचाने जाते हैं चलिए तो शुरू करें हो सारे तैयार एक बार लाइक बटन पे क्लिक करके अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करना सारे जल्दी से जाइए लाइक बटन पे क्लिक करिए फिर हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलो ठीक है सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन आंसर बताइए जरा फिलर का सवाल है पहला देखें जरा रॉबर्ट एंड जोनी आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्दो दे डैश ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम देखें जरा किसको पता है इसका रूल हम देखना चाहेंगे ये वाला रूल किसको पता है ऑल दो डैश ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जल्दी जल्दी इसे आंसर दो सब वो एनर्जी नहीं दिख रही यार कमेंट सेक्शन में बड़ा धीरे धीरे ऐसे ऐसे कमेंट सेक्शन बढ़ रहा है क्या ये है मेरे स्टूडेंट्स की एनर्जी रियली really? कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आएगा सिंस और फॉर टाइम रिफरेंस में ठीक है सिंस और फॉर जब भी टाइम रिफरेंस में आता है तो वहां पर लगता है प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डिपेंडिंग ऑन द सेंस अब देखना जरा रॉबर्ट एंड रूनी आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल दो दे हैव नोन ईच अदर हालांकि वो एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं बहुत लंबे समय से जानते हैं दे हैव नोन ईच अदर डन चलो आगे अगला सवाल आपके सामने आंसर देना है इसका फटाफट से देखो जरा आपके जो फिलवर्स होते हैं ना वो ग्रामर बेस्ड और दोनों ही आते हैं याद रखिएगा ठीक है चलिए बताइए आंसर जल्दी जल्दी से सारे लोग लो लेट सी ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट चलिए अब देखिएगा ध्यान से वेन आई रिटर्न होम फ्रॉम वर्क आई फाउंड माई सन वीपिंग डैश रोने के लिए कौन सा एडवर्ब यहाँ पे सूटेबल है जल्दी जल्दी से बताइए या फर कामली यहां पर कौन है जो कामली रोता है बिल्कुल रिलैक्स रो रहा है एकदम चिल भी है आंखों पे खीरे रखे हुए हैं मतलब मस्त पा ले रहा है रो भी रहा है यार क्या बताएं यार मेरी तो लाइफ इतनी बर्बाद है ऊपर से कोई उसका फेस मसाज कर रहा है क्यों इंसान ऐसे रोता है कोई कामली रोता है या फिर कोई स्वीटली रोता है मतलब तीनों टर्म्स यहां पर पॉजिटिव है यार बिटरली रोता है इंसान बुरी तरीके से रोता है दोबारा मत कहना अंदर से आता है पहली बार में फील चलो आंसर बताइए इसका फटाफट से क्या हो जाएगा द एसे इज डिवाइडेड इनटू फाइव पैराग्राफ्स एंड एवरी ऑफ दीज हैज सेवन सेंटेंसेस हु विल गिव मी द राइट आंसर जल्दी-जल्दी से ये जो एसे है ये पांच पैराग्राफ्स में बांटा गया है और हर एक पैराग्राफ्स के सेवन सेंटेंसेस हैं आंसर कौन देने वाला है खाना-वाना खा के आते हैं भाई आपको क्या लग रहा है इतनी एनर्जी बिना खाना खाने के बिना खाना खाया जाएगी और तो और आज हमारा लेग डे था एक तो इतने दिन बाद हम जिम गए हैं आज लेग्स लगाकर आ रहे हैं बेटा आपके सामने जो खड़े हैं ना वो मेरे अंदर का समझ लीजिए हल्क है जो आपके सामने खड़ा है इस टाइम मतलब छोड़िए खैर अब क्या डिफाइन करें इन टू फाइव और उसका हर एक हिस्सा एसए को पांच हिस्सों में बांटा गया और उनमें से हर एक इस हिस्से में सेवन सेंटेंसेस थे तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ईच एवरी नहीं लगेगा क्या लगेगा यहां पर Each लगेगा, एग्जैक्टली exactly. अब सुनना मेरी बात यहां पे ध्यान से ईच और एवरी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कोई मुझे बताना चाहेगा इन दोनों में के बीच में किसी को डिफरेंस पता है यहां पे? बताइए राहुल कंग्रेचुलेश सबसे पहली चीज यार मैं तो भूल ही गई थी एम का रिजल्ट आया है एम में एकदम लग कर मेहनत करी है आप लोगों के साथ तो हमें ये तो बता दो किसकी किसकी यहां पर रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ है क्योंकि मेरे पास अंकित ने अपना भेज दिया था इंस्टाग्राम पे बाकी यहां पर अभी एक स्टूडेंट ने बताया है बाकी भी तो बता दो बेटा शादी ब्याह वाले मेरे सेशन से बाहर जा सकते हैं सिर्फ पढ़ाई की बातें यहां पर होंगी ठीक है सिर्फ पढ़ाई की बातें यहां से वरना आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है आप बाहर जा सकते हैं ठीक एक छोटा सा रूल है मेरी क्लास का हंसी मजाक भी होगा पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है ठीक है मैं खुद आपके लिए हंसी मजाक करती हूं लेकिन एक लिमिट में और पढ़ाई के अलावा कोई बात कोशिश करिए कि आप ना कर रहे हो ठीक है चलिए आ जाइए क्या हो जाएगा यहाँ पे ईच और एवरी में किसी को डिफरेंस पता है ईच होता है जब हम हर एक की बात करते हैं इंडिविजुअलिटी की है बात करते हैं और एवरी तब आता है जब सिग्निफिकेंट चीज होती है वहां पर एक ग्रुप जब ग्रुप का सेंस आता है ग्रुप ऑफ पीपल ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एज वन ठीक है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक कंसिडर किया जाता है तो हम लगाते हैं एवरी अदरवाइज लगाया जाता है ईच जब हर एक की बात होती है इंडिविजुअल कोई डाउट यहां पर आपको ठीक कल फिलर्स होगा दोपहर वाली क्लास में ठीक है तो यहां पे हो गया ईच ईच ऑफ चलिए अगला सवाल आपके पास एक बार सभी लोग जल्दी से जाइए और लाइक बटन पर जरा क्लिक करके आओ जिनको जिनको यहां पे समझ में आ रही है ठीक है चलिए बताइए उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आंसर आ भी गया है इशिका का इतनी फास्ट वेरी गुड सो नाउ डेज डिजिटल सर्विसेज हैव मेड कैश एंड हेवियर स्मूदर डियर आपके सोच कर देखो कैसे हो सकते हैं बताइएगा ट्रांजैक्शन आपके कैसे हो सकते हैं जरा सब लोग इसका आंसर देना स्मूदर हो सकता है बिल्कुल सही जवाब है ट्रांजैक्शन आपका स्मूद हो सकता है ट्रांजैक्शन कभी सॉफ्ट नहीं होता कि भैया आज ट्रांजैक्शन बहुत सॉफ्ट हुआ है बहुत नोट बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट आई है ऐसे तो होता नहीं है हैवी नहीं होता सॉफ्ट नहीं होता डेरर नहीं होता ट्रांजैक्शन ठीक चलिए इजी आराम स्मूद मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती बिल्कुल हासिल फ्री राइट right. अगला सवाल है आपके सामने आउटसाइड द सिनेमा हॉल देर वाज क्यू ऑफ पीपल वेटिंग टू वॉच द मूवी देखें जरा कौन देगा सही जवाब जल्दी से बताओ आउटसाइड द सिनेमा हॉल दे वाज क्यू ऑफ पीपल वेटिंग टू वॉच द मूवी पता है जब भी आपको गलती ना मिले निकिता वेरी गुड तो कोशिश किया करो कि पूरे सेंटेंस को हिंदी में अपने दिमाग में ट्रांसलेट किया करो दिमाग में हिंदी में ट्रांसलेट करिए सिनेमा घर के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की मूवी देखने का इंतजार कर रही थी जो कि सिनेमा घर के बाहर एक लंबी सी लाइन थी मेरे मुंह से निकल रहा है एक लंबी सी लाइन थी क्यू यहां पे काउंटेबल है क्यू काउंटेबल है तो इसके पहले इंडेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए दैट इज अ ठीक है काउंटेबल है पर और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है देर इज अ क्यू Done? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सब बताओ ठीक है चलिए अगला सवाल है आपके पास आंसर बताइएगा फटाफट से देखें जरा लेट्स सी अ फ्रेंड ऑफ माइन इज वर्किंग एज अ फोटोग्राफर ऑफ द लोकल न्यूज अब इसका जिसने मुझे करेक्शन सही बताया ना मैं उसको एक काफी अच्छा स्टूडेंट मानूंगी इंग्लिश का इसका करेक्शन सही बताओगे अगर आप मुझे तब एबीसीडी से कोई फर्क नहीं पड़ता जस्ट लेट मी नो द करेक्शन तालियां बचती रहनी चाहिए रुकनी नहीं चाहिए वेरी गुड शाबाश वेल डन वेरी गुड यहां पर लोकल न्यूज पेपर क्या हो जाएगा वर्किंग एज अ फोटोग्राफर फॉर द लोकल न्यूज पेपर बिल्कुल सही जवाब है एक लोकल न्यूज पेपर के लिए फोटोग्राफर का काम कर रहा है वो ठीक है बिल्कुल सही है जितने लोगों ने फॉर दिया है वेल डन वेरी गुड चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहां पे आंसर बताना वन वर्ड पूछ रहा है शायद आपसे जल्दी से बताओ देखें जरा फैसला जो जज लेते हैं या फिर ज्यूरी लेती है उस फैसले को क्या बोला जाता है जरा बताओगे देखें जरा ओके ओके चल ये जरा जल्दी जल्दी से डिसीजन दैट इज गिवन बाय द ज्यूरी इसको हम वर्डिक्ट बोलते हैं पनिशमेंट होती है सजा ठीक है एलिगेशन होता है आरोप क्या कहते हो इसको आरोप कहते हो और accusation का भी मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना किसी के ऊपर चार्जेस लगाना आरोप लगाना डन यार डायरेक्शन नहीं पढ़ोगे तो हम क्या करेंगे इसमें क्यों गलती ढूंढ रहे हो भाई डायरेक्शन पढ़ना है ना ठीक है वो कैबलरी के लिए मेरी सुबह वाली क्लासेस होती हैं आप सुबह ग्यारह बजे वाली क्लास नौ बजे वाली क्लास में आना शुरू कर दीजिए चलो जरा इल्यूजन देखिए रियलिटी फैंटेसी हेलुसिनेशन या फिर मिराज सबसे पहली चीज जो ये इल्यूजन होता है ना एक भ्रम होता है इसको हम भ्रम कहते हैं ठीक है कोई चीज आपको लग रहा है कि सच है बट वो एक्चुअली सच नहीं है वो एक सिर्फ आपका दिमाग का इल्यूजन था असल में वो चीज सच नहीं होती है इल्यूशन होती है अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा देखो जरा मिराज मिराज आपने देखा है कि रोड पे टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो अम, लगता है पानी भरा हुआ है रोड पे हाईवेज वगैरह पे तो वो चीज मिराज कहलाती है टीआईआर का जो एप्लीकेशन होता है इफेक्ट होता है भी, लोगों को लगता है कि आसपास कुछ है लेकिन असल में कुछ नहीं होता है और फैंटसी भी नॉन रियल चीजें हैं तो ये तीनों सिनोनिम्स हो गए हैं हमें आंसर नहीं बताना था रियलिटी इज़ द राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन ठीक है चलो आगे अब देखना जरा अगला सवाल झट से इसका आंसर दो साहब देखिए जरा वेरी गुड थ्रोव हर दिन आया करिए क्लास में ठीक है वेरी गुड चलो बताओ हमें एक बात बताना ये जो नाइदर है ये नेगेटिव वर्ड है कि पॉजिटिव वर्ड है ये नाइदर एक नेगेटिव एडवर्ब है और ये नेगेटिव एडवर्ब है फिर से तुम नॉट लगा रहे हो यार ऐसे कैसे नाइदर खुद भी नेगेटिव और फिर से नॉट लगा रहे हो तुम हाँ ऐसे कैसे मतलब तुम श्रग भी पहनोगे उसके ऊपर से तुम ब्लेजर भी पहनोगे अटपटे लगोगे ना कार्टून लगोगे ना क्या हो जाएगा आंसर डबल जो नेगेटिव होते हैं वो नहीं अलाउड होते हैं इन द सेम क्लॉज तो हो जाएगा ऑफ देम कुड हेल्प सिर्फ नॉट हटा दीजिए कुड हेल्प मी ऑप्शन नंबर थ्री कोई डाउट इसमें किसी को इट ठीक चलो अगला सवाल आपके सामने आंसर बताना जल्दी जल्दी से एक सेकेंड का सवाल है ये देखो जरा ये कुत्ते क्यों घूम रहे हैं भाई हिमांशु फटाफट से आंसर दो सारे यहां पे आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है और बाकी सारे वर्ड्स के जो गलत वाले हैं उनकी सही स्पेलिंग ज्यादा लिख के बताइए मुझे डिस्क्राइब की स्पेलिंग क्या होती है ई एस सी आर आई बी डिस्क्राइब होता है डेवलप की स्पेलिंग होती है पी डेवलप होता है डिफरेंस की स्पेलिंग डी आई डबल एफ आरई एनसी तो आंसर क्या हो गया आंसर हो गया ऑप्शन नंबर टू डिस कोई डाउट किसी को यहां पर एनी वन चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आंसर बताना फटाफट से अगेन इट्स अ फिलो देखिए भाई कौन दे पाता है आंसर सो चिल्ड्रेन आर नॉट अलाउड टू यूज द स्विमिंग पूल डैश दे आर अ कौन एडल्ट स्ट्रेंजर निकल रहा था मेरे मुंह से चलिए छोटे बच्चों को तब तक स्विमिंग पूल में जाने देना अलाउड नहीं है जब तक वो उसके उनके साथ एक एडल्ट ना हो लिटरली ऐसा हुआ था अभी पिछली बार इस बार तो नहीं इस बार जिस एक्चुअली होटल में हम रुके थे वो थोड़ा सा पुराना टाइप का था एक तो मुंबई यार हम क्या बताएं? क्या ही बताएं? मुंबई के होटल तोबा तोबा चलिए छोड़िए कभी और बात करेंगे इस पे पिछली बार हम जिस होटल में रुके थे मुंबई जब गए थे ऑफिस पूल था ठीक है शाम के टाइम आराम से मस्त वहां हम सोचे शाम को बैठ के पूल के नज़ारे लेते हैं थोड़ा सा ड्रिंक, ड्रिंक, पी रहे, थे, मतलब चाय, रहे थे दोनों में थोड़ी सी अनबन हुई लड़ाई हुई लड़की ने छोटे वाले लड़के को ढकेल दिया अब वो लड़का पूल में गया वो बच्चा गया पूल में तो चलो कोई वहां से भागता भागता आया कोई था वहां पे मतलब स्विमिंग ऑनेस्टली मुझे भी नहीं आती है मैं भी नहीं बचा पाती कोई वहां पर आया उसने बचाया तो यही चीज होती है बच्चे बच्चे मन के सच्चे लेकिन होते बड़े खोटे हैं खैर तो क्या हो जाएगा अनलेस जब तक ठीक है ऑप्शन नंबर आंसर जब तक डन चले आगे दिमाग कम लगाओ थोड़ा जितना दिमाग है क्वेश्चन में लगाओ इधर उधर ना लगाया करो चलिए अभिषेक <laughs> बिल्कुल आप ही को आना पड़ता

राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने जरा आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव वेरी स्लोली ऑफ एंड डाउन माउंटेन वैली आंसर क्या हो जाएगा दुमराव टीवी थैंक यू फॉर द सुपर चैट लेकिन आपने बोला क्या है इसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा काफी लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया है हाँ जी डुमराव टीवी मैंने सोचा है लेकिन ये लास्ट में होगा ठीक है सेशन के लास्ट में मैं डेफिनेटली उन लोगों के लिए कुछ चीजें बोलूंगी चलिए बताइए काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ है काफी लोगों का नहीं हुआ है तो उनके लिए मैसेज लास्ट में मैंने छुपा के रखा है ठीक है भागना मत को यहां पर मेरे पास है आपसे कुछ कहने के लिए जिनका नाम नहीं आया है बाय चांस कोई टेंशन नहीं है यार कोई भी टेंशन नहीं है सुन लेना मुझे बाद में अभी आंसर बताइए जल्दी जल्दी से क्या हो जाएगा क्या कहते हैं इसको हम ग्लेशियर कहते हैं ठीक है विच मूव वेरी स्लोली ऑफ इन अउंटेन वैली इसको ग्लेशियर कहा जाता है ठीक है जमी हुई नदी ग्लेशियर बोला जाता है मिराज अभी बताया था थोड़ी देर पहले रोड पे ऐसा लगता है ना कि पानी भरा हुआ है हाईवे वगैरह पे लेकिन वो पानी नहीं होता है वो तो टी का इफेक्ट होता है दैट्स मिराज ओशियन ऑन राय आईलैंड जानते ही हो ठीक है चलिए अगला सवाल है आपके सामने जल्दी से आंसर देना सब लोग तो रॉबर्ट टोल्ड मी अबाउट हिज न्यू जॉब विच ही वॉज एंजॉइंग वेरी मच मृत तृष्णा कह सकते हो आप बिल्कुल हिमांशु जिसका अकाउंट लिंक होता है uh, इस अकाउंट में ठीक है टेस्टबुक चैनल के अकाउंट में जल्दी से बताइए नो इंप्रूवमेंट नो इंप्रूवमेंट

यार कभी कभी बिना कहे भी लाइक कर दिया करो सेशन को किसी दिन मैम को भी खुश कर दो हां कि मैम के भी एफर्ट्स मुझे ऐसी फीलिंग आए कि हाँ सफल हो रहे हैं चलिए बताइए क्या हो जाएगा डिमिनिश डिमिनिश का मतलब कोई चीज धीरे 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 हल्की हो रही है कम हो रही है इसको हम डिमिनिश कहते हैं डिक्रीज डिक्लाइन श्रिंक या फिर इंक्रीज डिक्रीज का मतलब कम डिक्लाइन का मतलब कम श्रिंक का मतलब सिकुड़ना ये तीनों वर्ड्स अगर सिमिलर है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर कोई डाउट इसमें किसी को ऑप्शन नंबर फोर द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने इसका आंसर बता दीजिएगा चलो आ जाइए <laughs> रीति इतनी मीठी मीठी बातें कैसे कर लेती हो आप रीति सिंह मैम इतना अच्छा एक्सप्लेन कर लेती हैं कि लाइक करना ही याद नहीं रहता बड़े प्यारे हो रही थी आप चलिए बताइए आंसर। बिल्डिंग वेरी क्विक बट फॉर्चुनेटली नोबडी वॉज इंजर्ड क्या लग रहा है ये जो क्विक लिखा हुआ है ये मोडिफाई किसको कर रहा है पहले तो ये बताइए ये मोडिफाई कर रहा है स्प्रेड को जो कि एक वर्ब है किसी को ये पॉइंट समझ में नहीं आया कोई भी ऐसा है जिसको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा कि क्विक स्प्रेड को मॉडिफाई कर रहा है बताएं मुझे यहाँ पे जो फायर है वो फैली कैसे फैली बहुत तेज फैली बहुत क्विकली फैली इसलिए क्योंकि बिकॉज एन एडवर्ब मोडिफाइज अ वर्ब इट शुड बी क्विकली कोई डाउट किसी को डन चले आगे अगला सवाल आपके पास फोर्टी विंग्स अब फीलिंग आ रही है, अब लग रहा है गलत कर दिया यार आज लेक्स करके चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा ये इसको याद रखना मतलब मैंने इसको याद रखा है इस वाली को। चालीस मिनट की मुश्किल से नींद चालीस मिनट या चालीस सेकेंड की नींद इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो चालीस मिनट की नींद चालीस सेकेंड की नींद क्या होती है छोटी सी नाप इट्स कैट नाप है ना छोटी सी नींद जो अक्सर आप दोपहर में ले लेते हो पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ा सा सरकाया थोड़ा सा सो लिए अपनी चेयर पर ही ऐसे गला लटका के सो गए इसको कहते हैं फोर्टी विंग्स ठीक है चलिए आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास और देखते हैं आंसर देता कौन है जल्दी जल्दी से सारे लोग आंसर बताएंगे मुझे लेट्स सी देखूं जरा अब बताइए अब ठीक है चलो डिसिप्लिन ओके ओके आपको बताना था यहां पर सही स्पेलिंग डिजास्टरस डायरेक्ट्री डिसिप्लिन या फिर डॉमेट्री डिजास्टरस डिजास है डिजास्टरस की स्पेलिंग डायरेक्ट्री टेलीफोन डायरेक्ट्री होती है सो डायरेक्टरी डिसिप्लिन की सही है और डॉर्मिट्री का मतलब क्या होता है डॉर्मिट्री डी ओ आर एम आई ओ आर वाई डॉर्मिट्री कोई डाउट यहां पर किसी को डन चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा आंसर बता दीजिए अब आया है अब ये दिन में जो हमने मेहनत करी है उसका रिजल्ट यहां पे दिखना चाहिए मुझे दो सेकंड के अंदर मुझे इसका आंसर चाहिए है सबसे तीन बजे वाली मेहनत मेरी। बताइए जरा कौन देगा इसका आंसर मिस्टर शर्मा सेट टू हिज वाइफ डिड यू कॉल माई सर्वेंट पास्ट टेंस किस में चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है ढूंढो कहां पास्ट परफेक्ट है इनमें से ना इसमें हैड नहीं है इसमें हैड नहीं है इसमें हैड नहीं है इसमें हैड है, इस है कितने सेकंड लगे मुझे अगर मैं शायद मुंह से बोलती ना तो मुझे हार्डली एक सेकंड लगता है इस क्वेश्चन को करने में उ मेनी सेकेंड्स डिड यू टेक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बताइए हर एक सब्जेक्ट कठिन भी होता है हर एक सब्जेक्ट आसान भी होता है डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा उसको किस तरीके से है ट्रस्ट मी स्कूल टाइम तक नरेशन और वॉइस मुझे एकदम नहीं आता था सोच लीजिए बिल्कुल नहीं आता था और अब देखिए ठीक चलो तो वो तरीका होता है बस किसी ने नहीं सिखाया तो मैंने सोचा कि मेरे स्टूडेंट्स को यह तरीका आना चाहिए आंसर बताओ जरा चलिए जल्दी जल्दी से आ जाइए तो चाचा जब समझ में नहीं आता तो यहां आए क्यों हो हा? बेजती करवाने आए हो क्या सरेआम समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों बेजती करवाने आए हो चलिए हो गई बेजती काम भर की दफा हो जाइए यहां से बाकियों को पढ़ने दीजिए बताइए आंसर मोनिका सेड वी हैव 2019 आंसर क्या हो जाएगा we have had this tablet since 2019 जल्दी-जल्दी इसे जल्दी बताओ have had किस में चेंज होगा have had change हो जाएगा had had में पहली चीज जब भी ये डबल चीज आती है आधे लोग यहां पर डर जाते हैं तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना ये है we have had ठीक है we have had है ये have यहां पे हेल्पिंग वर्ब है और ये had यहां पे मेन वर्ब है इसका मतलब है किसी चीज का आपके पास होना पोसेशन और हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती इसलिए हाँ लगता है तो अब देखो change हो जाती है परफेक्ट में तो ये चीज़ बन जाएगी had, had. कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है इसमें हार्ड है, had, had. इस लिखा है had, had. बाकी दोनों में हार्ड हार्ड नहीं है इनको हटा दीजिए सो मोनिका हैड दिस होता है that में यहाँ पर में चेंज हुआ है ये आंसर है और ये आंसर नहीं है बताओ ऑप्शन नंबर फोर द राइट आंसर किसी को इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताए सब लोग जल्दी से कोई डाउट चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे वेरी गुड वेरी गुड सिनोनिमस है दोनों इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन ठीक है सिनोनिमस होते हैं ये अब बताना जरा आंसर सारे लोग जल्दी जल्दी से कहा गया रिमोट चलो अब देखें इसका आंसर कौन दे पाता है फिर से डी होना चाहिए आंसर लोग कह रहे हैं एक बार फिर से डी और लोग इतने सारे लोग कह रहे हैं तो यार इतना भरोसा तो है मुझे आज ही पढ़ के आए हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सो तो भारत विल टेक विल चेंज हो जाता है वुड में इसमें शुड लिखा है इसमें हार्ड लिखा है इसमें विल लिखा है इसमें वुड लिखा है, वुड लिखा है यही आंसर कोई डाउट किसी को डाल चेंज होते हैं विल का वुड शाल का शुड मे का माइट कैन का कुड चलिए. अगला सवाल आपके सामने आ चुका है जरा इसका आंसर बताइए अच्छा तो अब आ गया है आपके पास कौन सा क्वेश्चन चलिए मनोज अच्छी चीज आपने बताई है लेकिन ये मॉक है ना मॉक है ये मैं मॉक के मैं नहीं कर सकती मॉक का मतलब ही होता है कि जैसा आपका पेपर आता है बिल्कुल वही मुझे आपको करवाना है तो मॉक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ठीक है चलिए ब्लैंक नंबर वन इज अप और आपके पास चैलेंज है पांच में से पांच का देखते हैं कौन आज का चैलेंज पूरा कर पाता है लेट सी ब्लैंक नंबर वन इज है खुद होना चाहिए अच्छा देखिये जरा कौन देता है आंसर द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल फ्रॉम द हाइट वन डैश सी द रिवर वन डैश सी द रिवर अब ऊपर जरा सैट पे नजरें डालो पास टेंस है तो मतलब आपका जो पैसेज है ये पास टेंस में है और पैसेज अगर पास टेंस में है तो चलो सारे मोडल्स ठीक लिखे हैं लेकिन कोई भी उतनी हाइट से कुछ देख सकता था इतनी चीजें देख सकता था फ्रॉम दिस हाइट वन डैश द रिवर कोई भी रिवर को देख सकता था वहां से इसलिए कुड लगेगा कैपेबिलिटी के लिए कैपेसिटी के लिए हम कुड लगाते हैं और कैन लगाते हैं पास्ट टेंस से तो कुड लग जाएगा डन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा सारे लोग जल्दी जल्दी से ब्लॉक नंबर टू आपके सामने देखिये जरा ऑलवेज कह रहे हैं लोग लेट्स सी कितना सही है आपका विद द फ्लावर दैट डैश दैश अ गुड हार्वेस्ट रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट डैश प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट हमको एक बात बताओ ये इतने से इतना पढ़कर आपको टोन कैसी लग रही है इस पैसेज की सब लोग मुझे बताइएगा इतना पढ़कर इस पैसेज की टोन क्या आपको पॉजिटिव नहीं लग रही और अगर पॉजिटिव टोन है तो राइटर ऐसी चीज वैसे भी ये तीनों देखो नेगेटिव एलिमिनेट हो जाएंगे ठीक है दैट्स द रूल तो हमें पैसेज की टोन का भी अंदाजा होना चाहिए कि उसमें की क्या टोन है ठीक है चलिए ब्लैंक नंबर थ्री वन आंसर बताओ बॉस जल्दी से एक दूसरे का देखना मत भले गलत हो जाए चलेगा बट देख कर आंसर सही देना इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल लोग कह रहे नीडेड होना चाहिए सो द ओनली थिंग द अर्थ डैश वो अ डाउन पोर और एटलीस्ट अब बस एक चीज की जरूरत थी अर्थ को और वो थी एक बारिश की बूंदे बारिश की बूंदों की जरूरत थी प्रे या फिर लॉन्ग का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर तो वो सही नहीं लग रहा है यहाँ पे है ना या तो कुछ सूखा पड़ा होता कुछ ऐसा सेंस लिखा होता तब हम लॉन्ग लिखते हैं यहाँ पर यहाँ पे सिर्फ जरूरत है बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है ठीक है चलिए ब्लैंक नंबर फोर देखते हैं कौन वो चैंपियन है जिसके फाइव में से फाइव आते हैं आंसर में सबके देख रही हूं कि तो गलत स्कोर बताइएगा मत चलिए <laughs> बताना जरा थ्रू थ्रू आउट द मॉर्निंग पॉल हु डैश फील्स इंटीमेटली फील्स इंटीमेटली Who knew his field. ये पूरा पैसेज आपका पास टेंस में चल रहा है तो पास टेंस ही चलेगा ना बॉस इतनी देर में भूले तो नहीं कि हम पास टेंस के लेकर चल रहे थे पास टेंस ही तो चलेगा डन चलिए अगला देखिएगा जरा ब्लैंक नंबर फाइव और आखिरी ब्लैंक है ये इस वाले पैसेज का चलिए बताइए अरे रुक जाओ पूरा तो होने दो अभी से कहा स्कोर बता रहे हो जल्दी जल्दी से Had बोल रहे हैं लोग आज हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ. क्योंकि पास में चल रहा है. बिल्कुल सही आंसर है Option number one is the right answer. कोई शक किसी को. हमने कहा है टेंस पहचान लिया और अगर ग्रामर बेस्ड आ गया क्लोज टेस्ट आपकी मैक्सिमम एक्यूरेसी की चांसेस भी सबसे ज्यादा रहती है वहां पर तो आपके लिए सुपर स्कोरिंग हो जाता है ऐसा क्लोज टेस्ट तो क्या रहा आपका स्कोर पूरे पांच पांच में से पांच तो भाई क्लैप्स तो बनती है क्लैप्स बनती है आप लोगों के लिए जिनके भी फाइव में से फाइव आए हैं अब जिनके फोर या थ्री आए हैं आप लोगों ने डेफिनेटली यहां पर करी है सिली मिस्टेक कोई ना कोई क्योंकि यहां पर कुछ इतना डिफिकल्ट यार था नहीं और अगर सिली मिस्टेक हुई है तो एक बार सेशन खत्म होने के बाद पलट के प्लीज देख लेना क्योंकि तो गलतियां करना इज नॉर्मल गलतियों से ना सीखना इज नॉट नॉर्मल ठीक है वो है आपके लिए सबसे बड़ा सिन इस टाइम का हैंग वंस हेड का मतलब क्या होता है बताइए जरा सबसे पहले यार सारे लोग एक बार सेशन को लाइक करके आओ आप लोग 700 से ज्यादा हो और नंबर ऑफ लाइक्स मुश्किल से 400 सौ पहुंचे हैं अभी हाँ कम से कम 500 होने चाहिए थे यहाँ पर यार आराध्या वो आपके ऊपर है आप देखिए वो दरी के लिए ले लीजिए और फिर ग्रामर की आपको जो भी पसंद आए ठीक है थेके? चलो इंसान का मुंह कब लटकता है हेंग वन हेड वन सेड इंसान का मुंह कब लटकता है जब वो दुखी होता है उसने खुद को शर्मिंदा कर लिया होता है सोचिएगा मतलब मेरे साथ आ, मतलब क्लास सिक्स की बात है मुझे याद है मतलब वो अभी भी मेरे फेवरेट टीचर हैं मेरे सोशल साइंस के टीचर थे विवेक कुमार सर आए मुझे पता है नहीं देख रहे होंगे बट ही स्टिल माई फेवरेट टीचर क्लास सिक्स में मेरे क्लास टीचर थे वो अब नए नए आए थे इतने यंग से इतने अच्छे से दिखते थे वो और उनकी एक आदत थी वो क्लास में हमेशा स्कोर अनाउंस करते थे तो हमारे यूनिट टेस्ट होते थे आउट ऑफ 40 पहला यूनिट टेस्ट था मेरे 38 स्कोर आए 40 में से अनाउंस किया चलो थोड़ा बहुत खुश हुए जब सेकेंड टर्म था और सेकेंड टर्म में, में मेरा स्कोर आया पता है कितना 37 सिर्फ एक नंबर कम हुआ मेरा और विवेक सर वो

अगला सवाल है आपके पास आंसर बताइए इसका जल्दी जल्दी से तो वो डी ओ एर एस कोर्स जल्दी जल्दी से सब लोग सी ओ ए आर एस कोर्स क्या हो जाएगा आंसर अरे सच्ची स्टोरी है और उस टाइम जो विवेक सर की मुस्कान थी ना मुंह पे बहुत रेयरली वो हंसते थे हंसते तो थे नहीं वो सिर्फ स्माइल करते थे तो बहुत बहुत रेयर बच्चे मतलब लिटरली जान छिड़कते थे उनकी मुस्कान पे हंस दिए मतलब विवेक सर पूरी क्लास एकदम खुश विवेक सर ने स्माइल कर दिया उस दिन वो हंसे थे स्माइल किए थे मेरे नंबर पे तो कितना मेमोरेबल डे है मेरे लिए सोशल साइंस में पूरे नंबर आए थे क्लास सिक्स की बात है चलिए कोर्स का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट वेरी स्मूथ बहुत ही खुरदुरी सी चीज होती है रफ सी चीज होती है आपसे आठ दिन पूछ रहा है हो जाएगा ना स्मूथ ऑप्शन नंबर टू सीधा सीधा डन ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर बस सब चलिए अगला अच्छा बाकी सारे वर्ड्स देख लो शाइनी तो नहीं लग रहा था किसी को आंसर क्योंकि शाइनी ही एक इसके आसपास लग रहा है शाइनी क्या है चमकदार है खुरदुरा चमकदार एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं खुरदरा और स्मूद चिकना एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं राइट चलिए अगला सवाल है आपके पास इसका आंसर मुझे बताइएगा आई एम श्योर डैश फंड एट द मोमेंट सो कैन आई पे यू बैक नेक्स्ट वीक और ट्रस्ट मी ऑनेस्टली अगर विवेक सर बात तक मुझे पढ़ाते विवेक सर का ट्रांसफर हो गया था अगर वो बात तक पढ़ाते ना तो क्या पता आज भी मैं आप लोग को यहां पर खड़े होकर जीएस पढ़ा रही होती मुझे इतना इंटरेस्ट था उनकी वजह से जीएस में बहुत अच्छा पढ़ाते थे मतलब वो बंदा अगर आपको पढ़ा रहा है ना पूरी एक स्टोरी में एक स्टोरी वो सुनाएगा सुनाएंगे और उस स्टोरी में आपके सारे आंसर्स हैं सोचो ऐसे पढ़ा सकता है कोई जीएस उन्होंने वो सिर्फ क्लास में आते हैं एक स्टोरी सुनाते हैं और उस पूरी स्टोरी में आपके सारे क्वेश्चन और सारे आंसर्स हैं सोचो इतना बेहतरीन टीचर मतलब जीएस का क्या ही बताएं क्या काश वो हो कहीं होते मतलब अभी है डेफिनेटली लेकिन कांटेक्ट नहीं मेरा कोई उनसे सो आई एम शोर्ट डैश फंड शॉर्ट ऑफ फंड्स फंड्स का मतलब की कमी होना शॉर्ट ऑफ फंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन डन शॉर्ट ऑफ फंड्स पैसे की कमी है ना चलिए अगला सवाल आपके सामने आंसर बताइए जरा फटाफट से इसका एक सेकेंड का सवाल है ये एक सेकेंड का जल्दी जल्दी से देखें जरा आदर सिंह बहुत अच्छा लगा हमको ये चीज सुन के मैं गॉड ब्लेस यू एंड ऑफ। चलिए ब्यूटिफुली ब्यूटिफुली का स्पेलिंग तो आनी चाहिए बीई ए यू टी आई एफ यू डबल एल वाई। ब्यूटिफुली एफ यू डबल एल वाई ब्यूटी में एफ यू डबल एल वाई ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ब्यूटिफुली डन चले आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने आंसर बताना टू बी टाइट लिप्ड अब देखें जरा कौन देता है इसका आंसर टू बी टाइट लिप्ड जल्दी से टाइट hmm. लिप्ड अपना मुंह बिल्कुल टाइटली बंद कर रखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अगर मुंह किसी ने बिल्कुल टाइटली बंद कर रखा है मतलब वो इंसान चुप है इमोजी भी आपको याद होगी चेन वाली चेन बंद है मुंह पे एकदम टाइट लिप्ड है बंदा डन ठीक चलिए अगला सवाल क्या हो जाएगा इसका आंसर जल्दी से कमऑन एवरी बारी फास्ट गाइस क्योंकि क्लास बहुत लंबी नहीं ले पाऊंगी यार बारह बजे तक ग्यारह बजे तक क्लास ही ले पाऊंगी ठीक है चलो कहा, कहा बियर्ड बाइकर किसकी बात कर रहे हैं आप कहा हैंगड की बात कर रहे हैं समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हैं लोग साथ entire house. Ransack का मतलब होता है खोज भी इन करना पार्टी में कहीं आपको जाना होता है और आप अपने कपड़े बहुत ही लेट हो रहा होता है आप अपने कपड़े अपनी मैं तो खुद की wardrobe तो मतलब हर दिन ransack करती हूँ आई ऑलवेज ransack my wardrobe, है ना Ransack का मतलब हम जल्दी जल्दी ढूंढना हर बड़ी में खोजबीन इन करना तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू ठीक राम साक का मतलब क्या होता है किसी चीज के बारे में प्राइवेट इंफॉर्मेशन का पता लगाना प्राइवेट फैक्ट्स का पता लगाना किसी के बारे में पोच का मतलब क्या होता है ओ ए सी एच पोच का मतलब आप समझ लीजिए किसी के एक तरीके से रास्ते को रोकने से रिलेटेड जहां तक होता है इनक्रोचिंग समथिंग एंड सीक का मतलब क्या होता है किसी चीज की जरूरत ठीक रान सेक नहीं है रान साक है देख लीजिएगा इट्स नॉट एस ए ठीक है रान नॉट रान अगला क्वेश्चन है आपके सामने अ पर्सन हु लव्स मनी स्पेंडिंग इट ये कौन सा पर्सन है बस इसी के लिए तो मैंने पिछली भी बार लड़कों की तारीफ करी थी और आज फिर से कर रही हूं यही तो खास बात होती है लड़कों की दो तीन कपड़े होते हैं उनके पास हार्डली जैसे कि मेरा भाई उसकी वारड्रोब देख लो भाई साहब मेरा जो भाई है उसकी वार्ड्रोब की ये अगर शेल्फ है उसने अपनी शर्ट्स ऐसे रखी है ना तो ये जो लाइन है वो टेढ़ी नहीं हो सकती है उसकी शेल्फ्स ऐसे उसकी शर्ट्स रखी होती हैं ऐसे उसकी शर्ट्स रखी है गिनती की कुछ ऐसे कुछ उसकी पैंट्स रखी होती है मतलब शर्ट से थोड़ी कम होती है उसकी पैंट्स रखी है ठीक है और ऊपर वाले में एकदम लाइन से उसके ब्लेजर्स वगैरह टंगे हैं और मेरी वार्ड्रोब अगर खोलोगे तो मेरी वार्ड्रोब इज तो ये होता है बेसिकली डिफरेंस चलिए खैर कुछ नहीं देखा आपने आंसर बताइए अ पर्सन हु लव्स मनी ये इंसान को पैसे बड़े पसंद हैं लेकिन खर्चे नहीं होते हैं इससे ये चाहता है कि सारे पैसे समेट के अपने अंदर रखे तो ये पर्सन कौन होता है ये पर्सन होता है एक नंबर का कंजूस जिसको हम माइसर कहते हैं कंजूस होता है ये ठीक है डन बाकी सारे वो लेंडर होता है जो किसी को पैसे देता है उधारी बैंकर होता है जो बैंक में काम करता है और इन्वेस्टर होता है जो पैसों को इन्वेस्ट करता है उससे प्रॉफिट कमाने के लिए डन चलिए अगला सवाल है आपके सामने द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर डैश ऑन द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड टू इट कौन देगा आंसर जल्दी से बता दीजिए जल्दी जल्दी से अब लोग बातें मानोगे नहीं तो अब हम क्या बताएंगे आपको आंसर बताइए सब लोग डिपेंड्स चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं सो द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ सबसे पहली चीज कहीं पर भी अगर वर्ब आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि वो वर्ब यूज किसके लिए हो रही है किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है यहां पे वर्द क्वालिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है और क्वालिटी यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए उसके लिए सिंगुलर ही लगेगा इनमें से सिंगुलर क्या है ऑप्शन नंबर टू सो द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड टू इट कोई डाउट किसी को डन आगे चलें अगला क्वेश्चन है आपके पास आंसर बताइए जरा hmm. जल्दी से देखें जरा यू कैन बाई अ प्लास्टिक कवर टू पुट इन टू यूर कंप्यूटर इफ यू आर वर्ड अबाउट क्या हो जाएगा तुम चाहो तो एक प्लास्टिक कवर खरीद सकते हो अपने कंप्यूटर को ढकने के लिए अगर तुम्हें डस्ट की चिंता है कंप्यूटर को ढक रहे हो पुट ओवर बिल्कुल सही है ये आपका कंप्यूटर है आपका पीसी है आपने कवर इसको ऊपर इस तरीके से रख दिया होता है उड़ा दिया होता है डाल दिया होता है एक चीज दूसरे चीज के ऊपर है इसको हम पुट ओवर बोलते हैं आगे के ऊपर। और ये रहा आपका अगला सवाल वन हु लूज एपो वेरी सुन ये इंसान अपना आपा बहुत जल्दी खो देता है और ये इंसान कौन होता है बताइएगा हॉट हेडेड टेम्पर्ड आर्ग्यूमेंटेटिव या फिर टेम्पोर कौन होता है ये बंदा या बंदी बताइए जरा ये दुनिया का पहला पीसी था यार मेरी ड्राइंग की कभी तारीफ भी कर दिया करो इतनी खूबसूरत ड्राइंग बनाते हैं आप लोगों के लिए आर्ग्यूमेंटेटिव होता है अभी जो एग्जामिनर है बहुत क्लेवर है उसने ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं पहली चीज ये जितने भी लोग टैम्पर्ड वाले हैं एक बात बताऊं टैम्पर एक वर्ब होता है ये जो वर्ड टैम्पर लिखा है ये एक वर्ब है और टैम्पर का मतलब होता है किसी चीज से छेड़ छेड़खानी करना है ना कभी कभी ऐसा न्यूज नहीं आती कि कोई डॉक्यूमेंट्स रखे थे उनसे छेड़खानी कर दी गई है दस्तावेजों से छेड़खानी करी गई है टैंपर किया गया है उनको चेंज किया गया है अक्सर होते हैं घोटाला वगैरह में होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह टैंपर कर दिए जाते हैं तो टैंपर्ड चीज है जो चीज छेड़ी गई है इंटरफेयर करा गया है जिसमें तो ये बिल्कुल गलत आंसर है ठीक हॉट हेडेड होता है जिसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है ऊपर वाला माला हमेशा उसका गर्म रहता है इसको बहुत गुस्सा आता है तो आंसर है आपका हॉट हेडेड आर्ग्यूमेंटिव होता है जो बहस करता है आपको क्या लगता है सारे आर्ग्यूमेंटेटिव गुस्से वाले होते हैं मैंने लिटरली ऐसे ढीठ आर्ग्यूमेंटेटिव पीपल देखे जो एकदम शांति से काम बैठा है लेकिन बहस कर रहा है अच्छा ऐसा है मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा है अच्छा ओ तुमको बहुत नॉलेज है बिल्कुल खुद काम है लेकिन सामने वाले को परेशान कर रहा है वो बहस करके ठीक है फिर एक वर्ड यहां पर आता है टेम्पोरल टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड ठीक है क्लियर चलिए अगला सवाल है आपके पास से बता दीजिएगा जल्दी जल्दी से लेट सी सब लोग बताओ इसका चलिए सो आई कुडेंट हियर ऑफ मनीष एक बार क्लास में आ जाने से कोई टॉप नहीं करता और एक बार क्लास में आने से नेता बनकर तो कतई टॉप नहीं करता और जिन्होंने मेहनत करी है जो हर दिन क्लास में आए हैं मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स मुझे दो तीन यहां पे अभी रिजल्ट बता चुके हैं अपना तो बेटा आप जो नेता यहाँ पे बन रहे हो कि कुछ नहीं फायदा है यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो जाके रिजल्ट देखो अस्सी प्लस कट ऑफ गया है कुछ नहीं कर पाओगे बेटा बहुत बड़े नेता हो कितने एग्जाम निकाले हो हाँ जो बता रहे हो जो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उनको तुम बता रहे हो वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप चाचा जी यहाँ पर ज्ञान देकर अपना टाइम बहुत आबाद कर रहे हो यही वो स्टूडेंट्स है जिनका एग्जाम निकला है और यही वो स्टूडेंट्स है जिनका आगे भी एग्जाम निकलेगा और यही वो स्टूडेंट्स है जिनका एक आधा दो तीन नंबर से रह गया है तो आपको क्या लग रहा है अगली बार नहीं निकलेगा चलिए बताइए आंसर जल्दी से आई कुडेंट हियर वॉट वॉज शी द नॉइस ऑफ द प्लेन टेकिंग ऑफ क्या हो जाएगा आंसर हम्म hmm? ये यार एक बात बताओ यहां पे इन्वर्जन क्यों लगा है लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं है तो इन्वर्जन क्यों लगाया है क्या हो जाएगा वॉट शी वॉज से हो जाएगा जन नहीं आएगा ठीक है क्लियर चलिए अगला सवाल आपके पास ये रहा आंसर बताओ जरा लेट्स सी नोटोरियस एफिशियंट एंड फेमस ऑप्टिमिस्टिक या फिर पॉपुलर द राइट आंसर ये क्लास आपकी दस बजे शुरू हो जाती है चलिए बाकी नमक खुद से डाल लिया करो अंकित थोड़ा बहुत हमने सिखाया है ना बाकी नमक ऊपर से आप लोग डाल लिया करो चलिए बताइए नोटोरियस एफिशियंट इन फेमस ऑप्टॉपुलर राइट आंसर नोटोरियस वो पर्सन होता है जो फेमस होता है अपने बुरे कामों के लिए आपसे आंट ने पूछ रहा है क्या हो जाएगा इन फेमस बताइए जरा अच्छा अनफेमस तो यहाँ पे आंसर ही नहीं है इन फेमस का मतलब भी बदनाम होता है इन फेमस आपने यहाँ पर मुझे सिनोनिम बता दिया बेटा इसका मतलब भी बदनाम और इसका मतलब भी बदनाम दोनों का मतलब बदनाम होता है पॉपुलर इज द राइट आंसर क्योंकि पॉपुलर का मतलब होता है अच्छी चीजों के लिए फेमस है ना शी इज वेरी पॉपुलर पॉपुलर वर्ड ही पॉजिटिव है ठीक है कोई पॉपुलर है मतलब वो अच्छी चीज के लिए फेमस है ऑप्शन नंबर वन इज द राइट फोर इज द राइट आंसर ठीक है राइट right, राइट right. अब जैसे मैं वो मतलब मैं नहीं बोल रही हूं एम नॉट से पॉपुलर फैकल्टी ऑफ टेक्स बुक मतलब बाय चांस तो मतलब पॉजिटिव वे में है ना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्च है आपने कुछ नहीं सुना चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर इज आप इसका आंसर बता दीजिए इट्स फैक्टिंग टू वॉच हाउ अ बेबी चेंजेस आर डेवलप्स ओवर टाइम वॉट्स द राइट आंसर लेट्स सी हमने कुछ नहीं कहा आपने कुछ नहीं है सब भूल जाना आंसर बताइए इसका जल्दी से ओके ऑप्शन नंबर होना चाहिए चलिए इट्स फैसिनेटिंग टू वॉच हाउ अ बेबी चेंजेस एंड डेवलप्स ओवर टाइम अच्छा ड्रॉइंग्स को तो पॉपुलर बोलना ही था आप लोगों को कैसे अब कोई गलती इसमें कहा है यार ये देखो इट इज फैक्सिनेटिंग प्रेजेंट टेंस चल रहा है सो इट इज फैक्सिनेटिंग टू वॉच हाउ अ बेबी चेंजेस एंड डेवलप्स ओवर टाइम सही तो लिखा है पैलिज्म भी मेंटेन हो रहा है यहां पर चेंजेस एंड वॉचेस ओवर टाइम चेंजेस एंड डेवलप्स ओवर टाइम बिल्कुल सही है ठीक चलिए अगला सवाल है आपके सामने आंसर बताइए इसका जल्दी जल्दी से द टीचर वॉज हाइडली डैश विद माई एस interested, impressed, afflicted या फिर डैमेज आंसर <laughs> क्या हो जाएगा श्रद्धा बेटा ऐसा स्टेटमेंट नहीं बनाते ऐसी बातें बाहर रिवील नहीं किया करते गलत बात चलिए आंसर बताइए द टीचर वॉज हाईली डैश विद माई एस अब टीचर क्या डैमेज हो गई थी ऐसे सुनते ही हाँ डैमेज तो हुई नहीं होगी इंप्रेस्ड हो गई होगी हो प्रसन्न हो गई होगी आपके ऐसे से ठीक है इम्प्रेस्ड हो जाएगा कोई डैमेज आंसर तो नहीं दे रहा बेटा हाँ डैमेज आंसर दोगे तो आपके आंसर से मैं डैमेज हो जाऊंगी यार चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री अफ्लिक्टेड का मतलब होता है किसी को पेन देना दर्द देना दैट्स नॉट इवन द राइट आंसर ठीक हमको एक बात बताइए आप लोग हो लगभग आठ लोग और नंबर ऑफ लाइक सिक्स भी नहीं है तो कौन है वो क्या बोलते हैं जयचंद थाना कौन है यहां पे सारे के सारे जयचंद जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो यार फिर आपसे बताइए हमें अच्छा लगता है और कुछ नहीं है बट आई फील गुड कि आपको हाँ अच्छा लग रहा है सेशन चलिए एडमिनिस्ट्रेटर की स्पेलिंग बतानी है एडमिनिस्ट्रेटर एड मिनिस्ट्रे ट्रे कोई डाउट किसी को यहां पे वेरी गुड वेरी गुड शाबाश अगला सवाल आपके पास आता हुआ द क्वेश्चन इज आप इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट द जॉब कुड बी योर व्हेन शी लीव्स इसका आंसर जरा हमको सब बताइए करेक्शन बताना करेक्शन सीधे सीधे वेरी गुड सही आंसर भी आने लग गए शाबाश चलिए देखिए जरा ध्यान से इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट द जॉब कुड बी योर योर होता है पॉजिटिव केस ऑफ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव अधूरा होता है नाउन के बिना तो या तो आप यहां पर कोई नाउन लगाओ और नाउन अगर नहीं है लगाने को तो इसको पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन बना दो ना प्रोनाउन को किसी नाउन की जरूरत नहीं होती वो नाउन के जगह पे लगता है ठीक है कुड बी योर्स हो जाएगा ठीक है अगर तुमने सही सही आंसर दिए सेंस ये निकल रहा है अगर तुमने सही सही आंसर दिए तो उसके जाने के बाद जॉब तुम्हारी होगी सही चाल चली तो उसके जाने के बाद जॉब तुम्हारी हो जाएगी ठीक है एग्जैक्टली वेरी गुड अगला सवाल देखिएगा बताओ इसका आंसर शी हैज डिसाइडेड ऑन टू डू अ चाइनीज लैंग्वेज कोर्स देखें कौन देता है इसका आंसर योरिंग नीतीश बेटा क्या आप मुझे किडनी में हार्ट अटैक दोगे बेटा ऐसी बात है नहीं किया करो ये योरिंग क्या होता है किसने सिखाया ये मुझे उस टीचर का प्लीज नाम बताओ कमेंट सेक्शन में जिसने आपको योरिंग सिखाया है नीतीश बोलते हैं कि मैम योरिंग नहीं होगा क्या बेटा हमको नाम हमको बता दीजिए प्लीज उस टीचर का जिसने आपको ये सिखाया है प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट मैं खुद जाके उनसे कोचिंग लेना चाहती हूँ प्लीज बता दो प्लीज़ बता दीजिए अल्फाज खत्म है मेरे पास इसके आगे आंसर बता दीजिए कुछ नहीं कहना मुझे कुछ है ही नहीं मेरे पास कहने को जस्ट नो वर्ड्स आंसर दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा शी डिसाइडेड ऑन डूइंग अ चाइनीज लैंग्वेज फूड डिसाइडेड ऑन समथिंग अब सुनना डिसाइडेड ऑन समथिंग अब ये something का मतलब ये नाउन है decided के बाद on लगता है यहां एक नाउन चाहिए है है हम gerund लगाएंगे gerund भी तो noun का form होता है, तो का होता right ठीक चलो अगला सवाल आपके पास आंसर बताइए इसका देर इज नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग सो अनइंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा इसमें आंसर जल्दी से बताओ <laughs> अंजलि अब हम क्या करें इसमें मेरी क्या गलती है आप बताइए हाँ हम तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं आपको क्या हम खैर चलिए बताइए आंसर देर इज नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग सो अनइम्पॉर्टेंट हम्म ऑफ आर्ग्यू होना चाहिए चलिए बताइए देर इज नो पॉइंट इन ये बहुत बारीक सी गलती है जो मतलब मुझे लगता है पॉइंट वन परसेंट लोग सही कर पाते हैं इसको मतलब इनफैक्ट मुझे भी हमेशा से यही लगता था ट्रस्ट मी जब तक मैंने इस क्वेश्चन को खुद नहीं सॉल्व किया था खुद इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा था डीपली जाके मुझे भी लगता था पॉइंट ऑफ डूइंग समथिंग सेम होता है बट देर इज नो पॉइंट इन समथिंग इन समथिंग होता है देर इज नो पॉइंट इन समथिंग मतलब इसका कोई मतलब नहीं है एग्जैक्टली देर इज नो पॉइंट इन डूइंग समथिंग इन आर्ग्यूंग इन वॉचिंग क्रिकेट वॉट एवर ठीक है याद रख लीजिए अभी से राइट right? चलिए कोई टेंशन नहीं है ये गलत हुआ कोई टेंशन नहीं है नीतीश वो सिर्फ हंसी मजाक के लिए था इतना दिल पे मत लिया वे लेना ठीक है हंसी मजाक के लिए वो चीज थी टेक इट लाइटली चलिए आंसर बताइए सारे लोग फटाफट फड़ से हिज न्यू बाइक इज इज बाय सतीश एज इट द फर्स्ट बाइक इन इंडिया प्रोड्यूस बाय मारुति सुजुकी आंसर कौन देगा यार मन तो नहीं कर रहा है आप लोग को छोड़ के जाने का बट ग्यारह बज गए हैं और इसके बाद भी थोड़ा सा काम है बॉस चलिए जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए सारे लोग आपको बताना है वॉइस चेंज करने और वॉइस में टेंस चेंज होता ही नहीं है जरा ढूंढो पहले पहचानो कि स्टेटमेंट नंबर वन कौन से टेंस में है लिखा है लाइक सिंपल ढूंढिए जरा सिंपल पास कहा <laughs> सेकेंड क्या ये सिंपल टेंस है प्लीज मी करेक्ट माई सेल्फ आई एम सो सॉरी गाइज आई एम सो सॉरी फॉर दैट इज लाइक लिखा हुआ आई डोंट नो मेरी आंखों को क्या हो गया है किसी ने पॉइंट आउट भी नहीं किया कैसी बातें करते हो यार किसी को तो गलती बतानी चाहिए थी कि मैम सिंपल प्रेजेंट है ये हमने सिर्फ इज लाइक लिखा है सिंपल प्रेजेंट है और पैसिव है जिसका हमको एक्टिव बताना है तो देखो जरा सिंपल प्रेजेंट पर है ये सिंपल प्रेजेंट है ये सिंपल प्रेजेंट है यहाँ पे वर्ब गलत है प्लूरल लगी है इसको हटा दो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस लगा है इसको हटा दो अब सुनना दोनों को बिल्कुल ध्यान से देखना सतीश लाइक्स हिज न्यू बाइक एज इट इज एज इट इज द फर्स्ट बाइक एज इट इज द फर्स्ट बाइक इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट बाइक गलत हो गया ऑप्शन right कोई डाउट किसी को यहां पर कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई पीड़ा कोई दिक्कत चलिए शाबाश अगला क्वेश्चन है आपके सामने आंसर बताना एक और क्लोज टेस्ट है करना चाहोगे सारे ये क्लोज टेस्ट कर लेते हैं और फिर एंड कर देते हैं क्या कहते हो तैयार हो आप लोग मुझे बताओ ये क्लोज टेस्ट करके सेशन को एंड कर देते हैं आपको असाइनमेंट देके आर यू गाइस रेडी जल्दी से बता दो आर यू गाइस रेडी ऑन कम ऑन जल्दी से चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पांच में से पांच जिनके पिछली बार नहीं आ पाए थे उनके लिए गोल्डन चांस है फाइव आउट ऑफ फाइव स्कोर करने का सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आप बताना जरा आंसर सब लोग देखें जरा कौन देता है इसका आंसर बताइए बताइए हेलीकॉप्टर कैन डू मेनी थिंग्स यहां से पता चल गया कि प्रेजेंटेंस में कहानी चल रही है ठीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स ये रही ऑप्शन नंबर फोर इज सर आंसर किसी कोई शक चले आगे अगला सवाल देखिएगा दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइए सारे सारे. या फिर इन क्या होना चाहिए जल्दी से राइट इन द एयर ओके 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 एग्जैक्टली इन द एयर ही तो होगा इट कैन होवर ओवर वन स्पॉट लाइक अक इन द एयर बिल्कुल सही है शाबाश इन द एयर होना चाहिए ब्लैंक नंबर थ्री देखिए जरा क्या हो जाएगा इसमें लेट सी ओके ओके टेक ऑफ होना चाहिए क्या बात है आज सारे सही करोगे क्या प्लेन उड़ान भरने को ही टेक ऑफ बोला जाता है ठीक है एंड इट कैन टेक ऑफ और लैंड टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर टू यहां पर अगला देखिएगा ब्लैंक नंबर फोर आंसर बताइए सारे क्या हो जाएगा बहुत इजी है अगर आपका कहीं पर आ गया ना ये क्या कहते हैं ग्रामर बेस्ड तो एक्यूरेसी के मैक्सिमम चांसेस हैं हमको पता है प्रेजेंट में चल रहा है में चल रहा है और यहाँ पे इट सिंगुलर है तो यहाँ पे लग जाएगा कोई डाउट उसमें किसी को ठीक चलिए एक और देखिए आखिरी ब्लैंक है सारे लोग इसके बाद सेशन को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना स्कोर बताने से पहले ठीक है चलिए बताइए लास्ट में क्या हो जाएगा ब्लैंक नंबर फाइव में ंग बिकॉज ऑफ इट इट इज कॉल्ड अ वर्ली बर्ड आन द एयर ओवर द वर्लिंग ब्लेड्स जो चीज घूमती है गोल गोल उसको वर्लिंग बोलते हैं प्लीज मुझे मजबूर मत करना की मैं आपको बना के दिखाऊं समझ तो गए हो गए ना हेलीकॉप्टर के ऊपर की जो ब्लेड्स घूमती है गोल गोल घूमने को बेसिकली वर्ल बोला जाता है सो येस वर्लिंग इज द राइट आंसर अपना अपना स्कोर बताइए फटाफट से सारे लोग चलिए टेल मी योर स्कोर एवरी क्या रहा आज का स्कोर और असाइनमेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है असाइनमेंट क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे सेशन खत्म होने के बाद पी क्यू आर एस देंगे हम असाइनमेंट में ठीक है इसका आंसर आप लोग दोगे सेशन खत्म होने के बाद इन द कमेंट सेक्शन डन यस वेरी गुड अब सुनिएगा आज बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ है एमटीएस में बहुत से लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो देखिए मैं इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर पाऊंगी एक छोटी सी चीज आपके लिए बोलूंगी बेटा ये तो शुरुआत है सिर्फ इतनी सी चीज बोलना चाहेंगे कि ये तो शुरुआत है अभी और ये सिर्फ एक एग्जाम है मात्र जो आपका नहीं निकला है कुछ लोग बोलेंगे मैम मैं तीन साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ फिर भी नहीं निकला एम नहीं निकला है अभी आपके पास सी एच एस एल बचा है सीजीएल सी एच एस एल सी पीओ सोग्राफर इतने सारे एग्जाम्स हैं एक एग्जाम में लाइफ नहीं ओवर होती है और हमेशा याद रखना लाइफ में बैकअप रहना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि अभी भी आपको बैकअप का जरूरत पड़ जाएगी ऐसा नहीं है लेकिन हाँ अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आपके बचे हुए हैं अभी एक छोटी सी आपने जो मतलब फेल हुए हो और फेलियर से सीखो है ना क्या क्या उसमें वहां पे आपने गलती करी थी क्या क्या चीजें छूट गई थी जिसमें स्कोर नहीं आ पाया ये सारी चीजों को ध्यान से देखिए एनालिसिस करिए उसका और उसी का फायदा उठाओ नेक्स्ट एग्जाम में क्योंकि जो गिर के खड़ा होता है ना असली चैंपियन तो वही होता है जो गिर के खड़ा होके जंग जीतता है आपने मूवीज uh, वगैरह देखते हो स्टार्टिंग में अक्सर मतलब हमेशा मैंने देखा है मोस्टली मैक्सिमम मूवीज में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हीरो आया विलन को मारा और ढेर हो गया पहले हमेशा हीरो पिटता है देखा है कि नहीं मूवीज में तो यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ और आज आप पिटे हो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ये उनके लिए है आज आप पिट गए हो लेकिन आप भी उठ के खड़े हो और आप भी दुश्मन को मार गिराओगे आप भी सिलेक्शन हासिल करोगे तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है हाँ ये तो ह्यूमन नेचर है थोड़ा सा उदास हो गए डेफिनेटली सब होते हैं लेकिन एक नई जोश के साथ एक नई एनर्जी के साथ कल की आपकी मॉर्निंग होनी चाहिए एक नई जुनून एक नया टाइम टेबल जो चीजें काम नहीं कर उसको हटाओ रखने की जरूरत नहीं है जो टाइम टेबल काम नहीं किया जो चीजें काम नहीं कर उनको हटाओ एक नया टाइम टेबल बनाओ उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू करो ठीक है चलिए सो so, ये थी गाइस आज की क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ठीक है बाकी मैं तो हूं ही आपके लिए हमेशा आपका एकेडमिक सपोर्ट आपका इमोशनल सपोर्ट मैं हमेशा रहूंगी ट्रस्ट मी ऑन दिस ठीक है आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ यहाँ पर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो इफ यू फील एनीथिंग लाइक दैट ठीक है मैं आपके लिए हमेशा आपका सपोर्ट आपका पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के खड़ी रहूंगी दैट्स माई प्रॉमिस ठीक चलिए ये है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम अनन्या मैम अंडर स्पोर्ट बुक इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है यहाँ पे और जिनको सिलेक्शन हुआ है वो भी मुझे बता देना यार ठीक है आ रहा है हर्ष जल्दी आ रहा है डोंट वरी मिल जाएगा आपको सुपर कोचिंग पे और सुपर कोचिंग अगर आप में से किसी को लेनी है पेन कहा गया तो ये है हमारी सुपर कोचिंग जिसमें सारे एस एग्जाम्स की तैयारी होती है आप चाहो तो अभी आज से लेकर इसको शुरू कर सकते हो बिल्कुल सीरियस प्रिपरेशन है यहाँ पे ठीक है आपको इसमें हजारों मार्क्स मिलते हैं स्टडी नोट्स मिलते हैं क्विक डाउट रिजोल्यूशन भी होते हैं साथ ही साथ इंडिया के सुपर टीचर्स आपको इसमें पढ़ाते हैं टेक्स बुक के टीचर्स आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं और ये आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ थ्री 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 पर मंथ के रेट पे मार्च थ्री 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 पर मंथ के रेट पे आपको ये मिलता है और मेरा कोड है जो आपकी बहुत हेल्प करता है मैक्सिमम डिस्काउंट देता है एंड दैट कोड इज अनन्या कैपिटल लेटर्स में आपको अनन्या यूज करना है दैट्स इट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है क्लिक करना उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाओगे लिंक पे पहुंचना ब्लू कलर का ऑप्शन देता है अप्लाई कूपन उस पर क्लिक करके कोड लगा देना क्लिक करना मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ठीक so, है चलिए करते हैं एक बार तैयारी और मचाते हैं अगले एग्जामिनेशन में सो टेक केयर गाइड यू ऑल आर चैंपियंस यू ऑल आर लॉन्स Thank you so much and good night. Take care. Bye bye.